वीरभूमि राजस्थान के सिरोही के भाटकड़ा के श्री वीर भगवान मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। एक शाम वीर बाबा के नाम भजन संध्या में गायक प्रकाश माली, वीर बाबा के नाम भजन संध्या में सोनी नाम सिसोदिया ने प्रकाश माली जो भजन गाए, सोनू सिसोदिया ने देर रात तक भजनों की सुर सरिता में देवनगरी के श्रोताओं को गोते लगाने के लिए बाध्य कर दिया। भक्ति के साथ राष्ट्रीय चेतना का भाव जगाने वाली प्रस्तुतियां देकर भरपूर दाद बटोरी धरती धोरारी का के साथ राजस्थान के सूरवीरों का गुणगान, देशभक्ति, प्रभु कृष्ण की लीला मीरा और भगवान श्री कृष्ण की प्रति भक्ति भाव, भगवान शिव और प्रभु श्री राम की महिमा का जमकर बखान किया। मुझे चढ़ गया भगवा का रंग शरीर के भजनों का पर श्रोता चूमने को मजबूर हो गए। शहर के कालकाजी तालाब रोड पर स्थित भाटकड़ा में श्री वीर भगवान का प्राचीन मंदिर है। श्री भंवर सिंह जी राठौड़ वीर हुए हैं। इनका पुराना इतिहास है, गोरक्षा के लिए ये शहीद हुए ऐसा लोगों का मानना है और इन्हीं के 23वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित भजन संध्या में भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़े। हम प्रणाम करें श्री वीर भगवान को, हम नमन करें उस महान ज्योत को जो जल रही है अखंड ज्योत के रूप में। हम प्रणाम करें उन सभी वीरों को जिनके कारण संस्कृति आज भी आबाद है। यहां महाप्रसादी का आयोजन हुआ, आप इस भजन संध्या का आनंद लीजिए। श्री प्रकाश सिर्फ बताना था, रावण ने पूरी ताकत लगाई लेकिन उस अनूठे के प्रभाव से रावण जो है वो पाताल में जाने लग गया, उसके आधे पांव धस गए। अचानक रावण के मन में विवेक आया, उसको सूझा कि अब तो मुझे मरना पड़ेगा, समाप्त होना पड़ेगा। और मरने के भय से डर के वातावरण में मन में जब मरने का भय लगा तो रावण जो भोलेनाथ के सामने क्षमा याचना करने लगा, ये बाबा क्षमा करो, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। और वो क्षमा करने के शब्द क्या थे, क्योंकि वो विद्वान था तो वो कैसे बोला, उन्हीं श्लोकों को हमारे शास्त्रों में शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा के भोलेनाथ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए। जिनकी जटाओं में देवताओं की नदी गंगा भ्रमण करते हुए आती है, गटा गटा संभ्रमम रमन्नी लिंप निर्जरी, जिनके ललाट से धड़क 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 करती हुई ज्वालाएं प्रफुल्लित होती है। शिव मैं तो अज्ञानी हूं और ऐसे परम तेजस्वी शिव मेरे ऊपर कोप ना करे, मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे। और मैं चाहता हूं पीछे तक सभी लोग दोनों हाथों को उठा के सिर्फ मेरे साथ प्रेरणा करें, यहां बैठ कर देखो मानसरोवर पाले, मानसरोवर की पाले में जहां साक्षात भोलेनाथ कैलाश पर्वत मानसरोवर पे तो है, कहां है तो बस आप समझ लीजिए कि ये मानसरोवर के किनारे हम कैलाश धाम में बैठे और ये सारणेश्वर महादेव की कृपा से ये सिरोही नगर की हस्ती है। मेरे साथ में दोनों हाथों को उठाकर सभी लोग बोलना सिर्फ करें, इतना बोलना और कुछ नहीं, बाकी मैं कह दूंगा चलेगा पक्का। तो रावण ने कहा कि भोलेनाथ मेरे जैसे अज्ञानी पर कृपा करें,
कल्याण। अरे यार आधे लोग चूक गए वापस, याद करके तो झोंका आता है। मेरा कल्याण थोड़ा और बोलिए। रामायण है पुण्य कथा।